हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 5 का पूरा सॉल्यूशन, कैसे सीना एक्सरसाइज 4.1। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 5 का पहला सवाल से। ये रहा पहला सवाल, प्रूव दैट फर्स्ट 10 इनवर्स 2 बाई 11 प्लस 10 इनवर्स 7 बाई 24 इक्वल टू 10 इनवर्स 1 बाई 2। आपको LHS को RHS के बराबर प्रूफ करके दिखाना है। तो हम लोग यहां इसको देख सकते हैं कि ये एक प्रॉपर्टी या फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला में सेट है, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y वाला। याद है ना आप लोगों को क्या होता है, 10 इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू वाई, यही फॉर्मूला होता है। तो इसी में हम लोग सिंपल से तोड़ेंगे, आपका आंसर बहुत खूबसूरत ढंग से आ जाएगा। तो हम लोग ले लेते हैं LHS, और LHS में आपका क्या है, 10 इनवर्स 2 बाय 11 प्लस 10 इनवर्स 7 बाय 24। 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y के फॉर्मूला के हिसाब से 10 इनवर्स x प्लस y 2 बाय 11 प्लस 7 बाय 24 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू y 2 बाय 11 इंटू 7 बाय 24 इक्वल टू 10 इनवर्स। आप यहां पर LCM लीजिए कितना आने वाला है, मल्टीप्लाई कर लीजिए आइडिया नहीं तो। 24 को 11 से ये रहा 4 छः, 264 आएगा है ना, 264 LCM। 11 से इसको डिवाइड करेंगे 24, 24 दूना 48 प्लस इसे डिवाइड करेंगे इसको, तो 11 और 77 यही ना। इसके नीचे, इसके भी नीचे कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी LCM लेंगे हम लोग तो कितना आने वाला है 264। तो 264 माइनस में 7 दूना 14 आएगा, ये गया ये भी गया, तो इसको जोड़ने पर कितना आ जाएगा इक्वल टू 10 इनवर्स 8 7 15 के 5 हाथ में 1 5 4 7 12 125 और बटा में यहां पर इसको घटाइए 250 आएगा, 125 दूना 250 इक्वल टू कितना हो गया 10 इनवर्स 1 बाय 2। यही तो प्रूफ करना था RHS में, RHS प्रूफ हो गया, बहुत सिंपल है और बराबर आपका एग्जाम में पूछता है इस टाइप का सवाल। आगे देखते हैं इसका सेकंड, इसका सेकंड 10 इनवर्स 1 बाय 2 प्लस 10 इनवर्स 1 बाय 3 इक्वल टू 10 इनवर्स 3 बाय 5 प्लस 10 इनवर्स 1 बाय 4 इक्वल टू पाई बाय 4। आपको यहां पर इसको पहले पाई बाय 4 के बराबर दिखाना है, फिर इसको भी पाई बाय 4 के बराबर दिखाना है। तो वही सवाल है, बस दो बार यहां हम लोग साबित करके दिखाएंगे। तो पहले LHS लेते हैं, LHS में आपका कितना है 10 इनवर्स 1 बाय 2 प्लस 10 इनवर्स 1 बाय 3। 10 इनवर्स x प्लस y वाला फॉर्मूला लगाते हैं, 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाय 2 इंटू 1 बाय 3। ये रहा 10 इनवर्स, LCM आएगा 6, तो 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय यहां भी 6, 6 माइनस 1 ये हुआ कैंसिल, इक्वल टू 10 इनवर्स 3 प्लस 5 5 डिवाइडेड बाय 5 ये गया इक्वल टू 10 इनवर्स 1। अब 1 10 के फॉर्म में कितना डिग्री का वैल्यू, 45 डिग्री, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 10 इनवर्स, और इस 1 को लिख सकते हैं 10 पाई बाय 4। फिर से आपका एक फॉर्मूला यहां पर सेट हो गया है 10 इनवर्स 10x का, और 10 इनवर्स 10x का फॉर्मूला क्या होता है x, तो इक्वल टू क्या हो गया पाई बाय 4। देखिए LHS वाला पोर्शन हमारा पाई बाय 4 के बराबर आ चुका है। हम लोग जो मिडिल में है उसको लेते हैं, कि आपका मिडिल वाला, मिडिल में क्या क्या है, 10 इनवर्स 3 बाय 5 प्लस 10 इनवर्स 1 बाय 4। अब 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला, 10 इनवर्स x प्लस y 3 बाय 5 प्लस 1 बाय 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 बाय 5 इंटू
वन बाय फोर इक्वल टू टेन इनवर्स, ये रहा एलसीएम, यहां पर 20 आएगा, पांच चौका तो चार तिया 12 और प्लस में पांच, नीचे भी एलसीएम कितना आएगा 20, यहां घटाएंगे तो 20 माइनस 3 आएगा, ये गया ये भी गया, इक्वल टू टेन इनवर्स 17 बाई 17, ये भी गया, इक्वल टू कितना बचा, फिर से इधर आते हैं, इक्वल टू टेन इनवर्स 1, और 1 कितना डिग्री का वैल्यू 10 के फॉर्म में 45 डिग्री, 10 पाई बाई 4, और टेन इनवर्स 10x का फॉर्मूला क्या होता है x, देखिए एलएचएस भी हमारा पाई बाई 4 के बराबर और ये मिडिल वाला टर्म भी पाई बाई 4 के बराबर, तो हम लोग लिख सकते हैं कि हैंस LHS इक्वल टू मिडल वाला टर्म इक्वल टू पाई बाई 4, ये बात हम लोग प्रूव कर दिए, क्लियर बात, आगे आते हैं, ये वाला टेन इनवर्स 2a माइनस बी बाई बी रूट थ्री प्लस टेन इनवर्स 2b माइनस ए बाई ए रूट थ्री इक्वल टू पाई बाई 3, बहुत सिंपल सा है, बस आपको यहां पर नंबर के जगह पर वेरिएबल्स टाइप का दे दिया है, ए बी सी डी में दे दिया है, डरना नहीं है, वही फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, एलएचएस लेते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 2a माइनस बी डिवाइडेड बाय बी रूट थ्री एक्स हो गया प्लस वाई के जगह पर कितना 2b माइनस ए डिवाइडेड बाय ए रूट थ्री एक्स प्लस वाई हुआ डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई 1 माइनस 2a माइनस बी बाय बी रूट थ्री इंटू 2b माइनस ए डिवाइडेड बाय ए रूट थ्री, बंद कर दो इसको, इक्वल टू टेन इनवर्स, ये रहा आपका एलसीएम कितना ए बी रूट थ्री, कुछ इस ढंग से आएगा बी रूट थ्री कैंसल ए बचेगा 2a माइनस बी यहां बचा कितना a प्लस ए रूट थ्री इस बार कैंसिल b इंटू टू बी माइनस ए और फिर डिवाइडेड बाय इनका एलसीएम कितना आएगा तो आएगा यहां पर 3ab, देखिए कैसे क्योंकि यहां एक ही साइड है ना तो रूट थ्री गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 से डिवाइड करेंगे तो ये वाला चीज यहां मल्टीप्लाई हो गया 3ab माइनस 2a माइनस बी और फिर 2b माइनस ए, बंद कर दो इसको, यहां से देखिए ab से ab कैंसिल और रूट थ्री से इसको जब कैंसिल करेंगे तो यहां पर रूट थ्री आपका बच जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग, ये इधर, इसके बाद यहां आते टेन इनवर्स 2a इंटू ए 2a स्क्वायर, एक काम करते हैं हम लोग, ये वाला रूट थ्री है इसको हम अगर बढ़िया से इसको लिखना चाहें, रूट थ्री कहां आ जाएगा सबसे शुरुआत में, यहां लिख लेते हैं रूट थ्री, अब मल्टीप्लाई करते हैं 2a इंटू ए कितना हो गया 2a का स्क्वायर माइनस ab प्लस 2b स्क्वायर और फिर माइनस में ए बी डिवाइडेड बाय 3 ए बी माइनस मल्टीप्लाई करो 4 ए बी माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस 2 बी स्क्वायर और फिर प्लस ए बी इक्वल टू टेन इनवर्स रूट थ्री 2a स्क्वायर प्लस लिख सकते हैं 2b स्क्वायर और माइनस में लिख सकते हैं माइनस ए बी मिलके 2ab डिवाइडेड बाय 3ab और यहां 4ab और ab मिलके कितना हो जाएगा 5ab और ये माइनस वाला टर्म किस में बदल जाएगा प्लस में 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर ab और 4ab 5ab में ये 3ab घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस
2ab, ये वाला टर्म यहां से यहां पूरा कैंसिल, कितना बच गया tan इनवर्स रूट थ्री, और रूट थ्री टेन के फॉर्म में कितना डिग्री का वैल्यू, पाई बाई थ्री 60 डिग्री इक्वल टू टेन इनवर्स टेन पाई बाई थ्री। अब टेन इनवर्स टेन एक्स के फॉर्मूला के हिसाब से यहां पर एक्स का काम कौन कर रहा है, पाई बाई थ्री, और यही हमको प्रूफ करना था। आर एच एस आपका प्रूफ हो गया। इसका अगला सवाल देखते हैं, फाइव का फोर ये रहा, टेन इनवर्स टू बाई फाइव प्लस टेन इनवर्स वन बाई थ्री प्लस टेन इनवर्स वन बाई ट्वेल्व इक्वल टू पाई बाई फोर। यहां तीन आ गया है एक साथ, तीन टर्म, अभी तक दो रहता था तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y काम कर जाता था, अब क्या करेंगे कार्य, अब इस पे हम लोग ये दोनों टर्म को, ये पहले हम लोग इसको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा लेते हैं, और इधर जो तीसरा है उसको बस ढोते चले जाएंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y 2 बाई फाइव प्लस वन बाई थ्री डिवाइडेड बाई वन माइनस 2 बाई फाइव इंटू वन बाई थ्री प्लस टेन इनवर्स 1 बाई ट्वेल्व, इसको बस लिख ले रहे हैं, बाद में इसका भी यूज हो जाएगा। टेन इनवर्स यहां पर आए 15, पांच तिया 15, तीन दूना 6, और प्लस में 3 पचे 15, यहां पर 5 डिवाइडेड बाय 15, 15 माइनस 2 प्लस टेन इनवर्स 1 बाय 12, ये खत्म, इक्वल टू टेन इनवर्स, टेन इनवर्स 6 और 5 11 बाय 15 में 2 तो 13, और प्लस में टेन इनवर्स 1 बाय 12, फिर से टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y आ गया, तो फिर से हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे यहां पर, टेन इनवर्स x प्लस वाई 11 बाय 13 प्लस 1 बाय 12 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 11 बाय 13 इंटू 1 बाय 12, लघुतम लीजिए इसको, इक्वल टू टेन इनवर्स, एलसीएम लेंगे यहां पर 12 को 13 से गुना कर लीजिए, अगर आइडिया नहीं तो रफ में कर लीजिए, 26 और फिर 13, 6 5 156 आएगा, अब इसे आएगा यहां पर 12 और 12 कर रहे हैं बतील से, 132 प्लस 13 डिवाइडेड बाय यहां पर भी आएगा आपका 156, 156 माइनस 11, कुछ इस ढंग से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू टेन इनवर्स 132 प्लस 13 कितना हो गया, 3 दो 5 145, 145 डिवाइडेड बाय यहां भी 145, ये कट गया आपका, इक्वल टू टेन इनवर्स 1, और 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन पाई बाय 4, टेन इनवर्स टेन पाई बाय 4, तो टेन इनवर्स टेन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है x, तो x यहां पर क्या पाई बाय 4, आपका आर एच एस प्रूव्ड हो चुका है। ये रहा हम लोगों का चौथा सवाल, पांचवा देखते हैं, 2 tan इनवर्स 1 बाय 5 प्लस tan इनवर्स 1 बाय 4 इक्वल टू tan इनवर्स 32 बाय 43, कुछ उसी ढंग का है, लेकिन मामला थोड़ा सा यहां पर गड़बड़ लग रहा है, ये 2 नहीं रहना चाहिए था, 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो फिर बनाएंगे कैसे, तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है 2 tan इनवर्स x को tan के फॉर्म में बदलने का, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x स्क्वायर, ये होता है 2 tan इनवर्स को tan में बदलने के लिए, तो पहले हम इसको चेंज कर लेंगे tan इनवर्स में, फिर सिंपल बन जाएगा, LHS 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स 2x 2 इंटू 1 बाय 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x स्क्वायर,
1 बाय 5 का होल स्क्वायर और प्लस में टेन इनवर्स 1 बाय 4 इक्वल टू टेन इनवर्स यहां आपको मिलेगा 2 बाय 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाय 25 प्लस टेन इनवर्स 1 बाय 4 इक्वल टू टेन इनवर्स 2 बाय 5 एलसीएम यहां पर 25 25 माइनस 1 प्लस टेन इनवर्स 1 बाय 4 5 पचे 25 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा टेन इनवर्स 5 दुना 10 और बटा में 24 प्लस टेन इनवर्स 1 बाय 4 इसको और हम लोग छोटा कर सकते हैं इसको कैंसिल करते हैं 2 पचे 10 और 2 12 हैं 24 तो बन गया आपका टेन इनवर्स 5 बाय 12 इक्वल टू टेन इनवर्स 5 बाय 12 प्लस टेन इनवर्स 1 बाय 4 अब जाके हमारा वो फॉर्मूला आया है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y वाला लगाते हैं इसी चीज का तो इंतजार था हमें टेन इनवर्स x प्लस y 5 बाय 12 प्लस 1 बाय 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 5 बाय 12 इंटू 1 बाय 4 इक्वल टू टेन इनवर्स ये यहां पर एलसीएम आएगा 12 तो 5 प्लस 4 दिया तो 3 यहां भी बार चौक 48 तो 48 माइनस 48 माइनस 5 बार चौक 48 यहां देखिए 5 और 3 कितना हुआ 8 और 4 गया ऊपर तो 10 इनवर्स 8 चौका 32 डिवाइडेड बाय 48 में 5 तो 43 यही आपका आरएचएस में था जो कि प्रूव्ड हो चुका है तो चलिए अगला सवाल ये वाला फिर से उसी टाइप का है तो आप लोग खुद से भी बना सकते हैं इसको लेकिन फिर भी बना दे रहा हूं एलएचएस इक्वल टू 2 tan इनवर्स x को पहले tan इनवर्स में बदलते हैं हो जाएगा tan इनवर्स 2x 2 into 1 by 2 divided by 1 minus x square तो 1 by 1 minus 1 by 2 का whole square plus tan इनवर्स 1 by 7 2 से 2 cancel tan इनवर्स 1 बटा 1 इसको लिख सकते हैं और फिर 1 बटा 1 minus 1 बटा 4 प्लस टेन इनवर्स 1 बाय 7 इक्वल टू टेन इनवर्स 1 बाय 1 एलसीएम कितना आएगा 4 और फिर 4 माइनस 1 प्लस टेन इनवर्स 1 बाय 7 अब 4 गया ऊपर तो इक्वल टू टेन इनवर्स 4 बाय 3 प्लस टेन इनवर्स 1 बाय 7 टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 4 बाय 3 प्लस 1 बाय 7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4 बाय 3 इंटू 1 बाय 7 इक्वल टू टेन इनवर्स यहां पे आपका एलसीएम आ जाएगा 21 3 सात 21 7 चौका 28 प्लस 7 21 तो यहां 3 हो गया यहां भी 21 21 माइनस 4 ये 21 से 21 खत्म 28 और 3 कितना हो गया 31 tan इनवर्स 31 बाई 21 में 4 तो 17 और यही आपका आरएचएस में था प्रूव्ड हो गया चलिए अगला देखते हैं इसका ये वाला tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 और ये किसके बराबर है पाई के बराबर और आपको इधर भी 2 into tan inverse 1 plus tan inverse 1 by 2 plus tan inverse 1 by 3 इसको भी आपको पाई के बराबर दिखाना है मतलब RHS को सॉल्व कीजिए पाई आएगा LHS को सॉल्व कीजिए पाई आएगा और RHS को सॉल्व कीजिए उसमें भी पाई आना चाहिए तो चलो दिखाते हैं इसको इस टाइप का तो अभी पीछे हम लोग बनाए ही थे LHS पहले इसको हम लोग क्या करते हैं tan inverse x plus tan inverse y मान लेते हैं
हो जाएगा टेन इनवर्स x प्लस वाई वन प्लस टू डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स इंटू वाई प्लस टेन इनवर्स थ्री, टेन इनवर्स यहां पर आपका आ जाएगा माइनस थ्री और प्लस में टेन इनवर्स थ्री, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, टेन इनवर्स x माइनस थ्री प्लस थ्री डिवाइडेड बाय वन माइनस माइनस थ्री इंटू थ्री, टेन इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स वाई, टेन इनवर्स जीरो डिवाइडेड बाय वन प्लस नाइन, और जीरो को किसी के साथ किसी से भी जीरो को भागा दीजिए आपका जीरो ही आने वाला है, टेन इनवर्स जीरो। अब टेन इनवर्स टेन एक्स का फॉर्मूला हम लोग यहां पर सेट करना चाहते हैं। अब जीरो जीरो डिग्री का भी वैल्यू होता है और फिर पाई का भी वैल्यू, तो हम लोग कौन सा वैल्यू यहां पर लेंगे, पाई का, क्योंकि प्रूफ करने वाला में देखो पाई दिया गया है, तो हम जीरो को लिख सकते हैं टेन इनवर्स टेन जी टेन पाई। अब टेन इनवर्स टेन एक्स के हिसाब से यहां पर पाई आ गया, तो एक बात हमारा इधर वाला पाई साबित कर दिया है। अब आरएचएस से हम लोग सॉल्व करते हैं, आरएचएस से भी पाई दिखाना है हम लोगों को, आरएचएस इसमें भी टू को रख लेना है, चलो टू है इसको रख लिए हम लोग, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स वन प्लस वन बाय टू डिवाइडेड बाय वन माइनस वन इंटू वन बाय टू, और प्लस में टेन इनवर्स वन बाय थ्री साथ में चलते रहेगा इक्वल टू टू, टेन इनवर्स आप इसको जोड़िएगा आएगा थ्री बाय टू और यहां घटाइएगा आएगा वन बाय टू, सिंपल एक प्लस आधा डेढ़, और डेढ़ को कितना लिख सकते हैं थ्री बाय टू, एक में आधा गया तो आधा बचा, टू से टू कैंसल प्लस टेन इनवर्स वन बाय थ्री, अब कितना बचा टू, टेन इनवर्स थ्री प्लस टेन इनवर्स वन बाय थ्री, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला टू इंटू टेन इनवर्स एक्स प्लस थ्री प्लस वन बाय थ्री डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स इंटू वाई, कुछ इस ढंग से ये गयो काम से, इक्वल टू टू टेन इनवर्स इसको जोड़िएगा आप आएगा थ्री, इसके नीचे कुछ नहीं तो वन, नाइन प्लस वन और डिवाइडेड बाय जीरो। अब आप ही बताइए कोई भी टर्म को जीरो से भाग देने पर अनडिफाइन हो जाता है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा टू इंटू टेन इनवर्स इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी टेन कितना डिग्री का वैल्यू है 90 डिग्री, जिसको हम लोग लिख सकते हैं टू इंटू टेन इनवर्स टेन पाई बाई टू। अरे भाई इन्फिनिटी को लिख सकते हैं टेन पाई बाई टू, टेन इनवर्स टेन एक्स का फॉर्मूला एक्स तो टू इंटू पाई बाई टू ये कैंसल इक्वल टू कितना आया पाई, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि एल एच एस बराबर आर एच एस बराबर क्या पाई, प्रूव्ड हो गया बात। आते हैं इसका अगला वाला, टेन इनवर्स टू कॉस टू साइन इनवर्स वन बाय टू इक्वल टू पाई बाई फोर, ये फॉर्मूला में नहीं है लेकिन बहुत सिंपल है, हम लोग पहला दूसरा सवाल जिस तरह से बना नहीं रहे थे उसी ढंग से है। देखो बनाएंगे कैसे, एल एच एस ले लेते हैं, टेन इनवर्स टू कॉस टू साइन इनवर्स, एक बात बताओ तुम वन बाय टू साइन के फॉर्म में कितना डिग्री का वैल्यू 30 डिग्री, और 30 डिग्री को क्या लिख सकते हो पाई बाय सिक्स, ये लिख दिया, ये लिख दिया इक्वल टू टेन इनवर्स टू कॉस साइन इनवर्स साइन एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है एक्स, टू इंटू कितना हो जाएगा पाई बाय सिक्स, दो तिया कितना छ, इक्वल टू टेन इनवर्स टू कॉस पाई बाय थ्री, कॉस पाई बाय थ्री का वैल्यू कितना 60, वन बाय टू
कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 बाई टू, टू इंटू 1 बाई टू, टू से 2 कैंसिल, इक्वल टू कितना टेन इनवर्स 1, और 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं टेन इनवर्स 10 पाई बाई 4, तो टेन इनवर्स 10x का फॉर्मूला x, और यही तो बात साबित करना था, RHS प्रूव्ड। इसका अगला देखते हैं, ये वाला 9, 10 साइन इनवर्स 3 बाई 5 प्लस कॉट इनवर्स 3 बाई 2 इक्वल टू 17 बाई 6। अब तुम लोग सोचेगा सर इसमें तो कोई फॉर्मूला आया ही नहीं, हम लोग बनाएंगे कैसे, 3 बाई 5 का वैल्यू भी नहीं जानते हैं, जो साइन इनवर्स साइन एक्स लगा देते हैं हम लोग, तो फिर इस कंडीशन में क्या होगा, बाहर 10 लगा हुआ है, हम अंदर भी दोनों को 10 में बदल सकते हैं बहुत ही आसानी से। देखना कैसे, जब भी तुमको साइन इनवर्स कॉस इनवर्स कुछ अलग चीज दिया है और किसी दूसरा में आपको रेशियो में कन्वर्ट करना है, बड़ा सिंपल है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। मान लीजिए कि इसको हम 10 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आपको एक प्रेम से राइट एंगल ट्रायंगल ले लेना है, ये रहा साइन का वैल्यू क्या, साइन का फॉर्मूला क्या होता है इस राइट एंगल ट्रायंगल में, पी बाई एच, तो आपको ये वाला क्या मान लेना है पी है और एच कितना है 5, जरूरत क्या पड़ने वाला है, यहां क्या गायब है बी, बी निकालने के लिए एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का अंडर रूट आप निकालिएगा इसको, तो आएगा यहां का वैल्यू 4। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद पहले आपको LHS लिखना है, 10 साइन इनवर्स को हम किस में चेंज करना चाहते हैं, 10 इनवर्स में, आप चुपचाप से लिख दीजिए 10 इनवर्स, लेकिन आपको इसके लिए यहां पर एक ट्रायंगल बनाए थे ना, यहां से 10 इनवर्स का क्या वैल्यू होगा, 10 का वैल्यू क्या होता है P बाई बी, तो P का काम कौन कर रहा है 3 और B का काम कौन कर रहा है 4, तो 10 इनवर्स 3 बाई 4 और प्लस इसको कैसे बदलेंगे, तो ये तो प्रॉपर्टी में ही था कि हम लोग कॉट इनवर्स को 10 इनवर्स में और 10 इनवर्स को कॉट इनवर्स में डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं, बस आपको यहां पर अपोजिट कर देना है, जैसे कॉट इनवर्स को आपको 10 इनवर्स में बदलना है तो अपोजिट कर देना है, 2 बाई कितना हो जाएगा 3, अब बाहर है 10 और अंदर है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, लगाइए आप इसको 10 इंटू 10 इनवर्स x, तो x यहां पर 3 बाई 4 प्लस 2 बाई 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 बाई 4 इंटू 2 बाई 3 इक्वल टू 10 10 इनवर्स, ये एलसीएम लिए हम लोग 12 आया, 4 तिया तो 3 तिया 9 प्लस 3 चौका 12 तो 4 दुना 8 डिवाइडेड बाय 12 और फिर 12 माइनस 6 कुछ इस ढंग से, 12 से 12 खत्म, 10 इंटू 10 इंटू 10 इनवर्स 8 और 9 कितना 17, 17 बटा 6, और हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े हुए थे कि 10 10 इनवर्स x का भी फॉर्मूला क्या होता है x होता है, तो x के स्थान पर कौन 17 बाई 6, यही RHS में था प्रूफ करना, हम लोगों को बात प्रूफ हो चुकी है। इसका 5 का आखिरी सवाल देखते हैं हम लोग, 10 1 बाई टू साइन इनवर्स 3 बाई 4 इक्वल टू 4 माइनस रूट 7 बाई 3, इसको भी तुम लोग वही सोच रहा होगा कि जैसे हम लोग पिछला सवाल बनाए, राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए सर और इसको 10 में बदल दीजिए, फिर 10 10 इनवर्स x का फॉर्मूला बन जाएगा, ऐसा सोच रहे हो, गलत सोच रहे हो, क्यों, मान लो इसको हम 10 रखें और इसको 10 में बदलेंगे तो 1 बाई टू 10 इनवर्स यहां पर समथिंग आएगा, तो हम इसके लिए फॉर्मूला थोड़े पढ़े कि 10 इनवर्स 1 बाई टू 10 इनवर्स x होना चाहिए, यहां 1 बाई टू हमको डिस्टर्ब कर दे रहा है ना, अगर 1 बाई टू नहीं रहता तो फिर बन ही गया था, हम इसको 10 में कन्वर्ट कर देते 10 और फिर 10 इनवर्स x का फॉर्मूला लग जाता, लेकिन 1 बाई टू बड़ा लफड़ा किया है, उसको थोड़ा सा अलग तरीके से हम लोग बनाएंगे, कोई दम वाला सवाल नहीं है, बहुत ईजी ही बनेगा, बस आपको थोड़ा सा एक काम कर लेना है, यहां जो टर्म है इसको आपको थीटा मान लेना है, लेट
साइन इनवर्स 3/4 इक्वल टू थीटा। देन ये LHS वाला पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा, टेन थीटा बाय टू, क्योंकि 1/2 टेन के एंगल में ही है, इसीलिए 1/2 एंगल में ही आया है। अब आ गया टेन थीटा बाय टू। यहां से अगर हम लोग साइन थीटा का वैल्यू निकालना चाहें, साइन थीटा साइन को इधर ट्रांसफर कर दें तो इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 3/4। ये साइन थीटा का वैल्यू है। अब टेन थीटा बाय टू आ गया है, हमको यहां पर साइन थीटा दिया गया है, एंगल आधा नहीं है। टेन थीटा बाय टू को हम लिख सकते हैं 1 cos θ और डिवाइडेड बाय साइन थीटा। इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, बोलेगा कैसे देखना, 1 cos θ का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin²θ/2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2। ये स्क्वायर से ये वाला टर्म कैंसल, 2 से 2 कैंसल, साइन थीटा बाय टू बाय cos θ/2 इक्वल टू कितना हो गया, 10θ/2। तो इसका मतलब सही बात है कि 10θ/2 को हम लोग 1 cos θ बाय साइन थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आपको यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, क्योंकि हमको जरूरत पड़ा है cos थीटा का वैल्यू, और cos थीटा का वैल्यू हम लोग यहां से निकालेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बना लिए। साइन थीटा का क्या होता है, P/H, पी के जगह पर 3 और H के जगह पर 4, तो ये वाला वैल्यू कितना आएगा, रूट अंडर, देखो निकाल के देखो रफ में, रूट अंडर 4² - 3² इक्वल टू 16 - 9 इक्वल टू कितना आएगा, √7। तो ये काम आप रफ में कर लेना है। यहां आ गया आपका √7। फिर यहां आते हैं वापस हम लोग, 1 के नीचे कुछ नहीं तो हम लोग 1 बोल सकते हैं, और cos थीटा का वैल्यू देखो इस ट्रायंगल के हिसाब से B/H क्या होता है, H, B के जगह पर कितना, √7 और H के जगह पर कितना, 4, फिर डिवाइडेड बाय sin थीटा का फॉर्मूला देखो यहां पर दिया गया है 3/4। ऊपर LCM लेंगे हम लोग, कितना मिल जाएगा, √4 - √7 और फिर डिवाइडेड बाय 3/4, 4 से 4 कैंसल इक्वल टू 4 - √7/3, 4 - √7/3। यही RHS में आपको प्रूफ करके दिखाना था। तो इस तरह से हमारा सवाल नंबर 5 में 10 सवाल था, ये 10 सवाल का हम लोगों ने आज सॉल्यूशन किया। फिर हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में इसके आगे का सवाल को लेकर, तब तक के लिए हमको दीजिए इजाजत, बाय बाय, लव यू ऑल।